दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ बमोरी नागल में, जो ललितपुर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे, जिस सड़क पर हम इस समय खड़े हुए हैं वो सड़क आप सामने तक देख सकते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क है जो अभी तक नहीं बनी है। लोगों से जब हमने यहाँ पर चर्चा की है, उनसे जानकारी निकाली है, तो उनका कहना है कि करीबन 20 साल से सड़क ऐसी ही डली हुई है। जब ये डली थी वैसे ही छोड़ दी गई, उसके बाद ना तो इस पर दम्मीकरण हो पाया, ना ही इस पर RCC जो भी CC होती है उस पर भी वो भी नहीं करा पाए हैं। वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दावे बहुत कुछ किए जा रहे हैं कि हमने सड़कों का बहुत निर्माण कराया है। अमूमन देखने में ये आ रहा है कि जो पुरानी सड़कें उनका रख रखाव तक नहीं हो पा रहा है, गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं, लोगों को निकलने बहुत दिक्कत हो रही। कुछ लोगों का तो कहना है कि यहाँ पर जब लोग शादी संबंध के लिए आते हैं तो सड़क देखकर एक कहते हैं कि वहाँ पर सड़क बहुत खराब है, हम शादी नहीं करेंगे। या जो यहाँ पर रहते हैं उनके जो लेने देने के लिए लोग आते हैं वो भी आने में बहुत दिक्कत करते हैं। तो बहुत दिक्कत यहाँ पर हो रही है, लेकिन सुनने के नाम पर कोई यहाँ पर सुनने के लिए आता नहीं है, ना ही अधिकारी आते हैं, ना ही नेता आते हैं। लोगों ने नेताओं पर आरोप लगाए, वो नेताओं को जानते तक नहीं है। चाहे सांसद की बात करें, चाहे मंत्री की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, चाहे प्रभारी मंत्री की बात करें, चाहे यहाँ के जिलाध्यक्ष की बात करें, कोई भी सुनने के लिए यहाँ तक नहीं आया है। और जब 3 किलोमीटर दूर का आलय होगा तो यहाँ से 40, 50, 60, 70, 80, 90 किलोमीटर की स्थिति क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि ललितपुर की मीडिया भी 3 किलोमीटर तक इस गाँव तक नहीं आ पाई और यहाँ की समस्या पे बात नहीं कर पाई है। आशा करते हैं कि हमारी जो बात है वो प्रशासन तक पहुंचेगी, इन सड़क को निर्माण के लिए जल्द जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और इस पर बढ़िया रोड बनता हुआ नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें।